श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में भी कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एएनएम और आशा सहयोगियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें कोरोना से बचाव के उपाय उन्हें बताए गए। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर करण सिंह और आशा कोऑर्डिनेटर राय सिंह सहारन की ओर से दिए गए इस प्रशिक्षण में अनूपगढ़ ब्लॉक की सभी एएनएम और आशा सहयोगिनियां मौजूद रही। वायरस की रोकथाम के लिए चल रही है, इसके क्या दुष्प्रभाव है और क्या इसकी रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उस संबंध में चल रही है। वीसी हमारे गंगानगर से डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर करण आ रहे हैं और राय सिंह सहारन डिस्ट्रिक्ट आशा कोऑर्डिनेटर ले रहे हैं, जो इसकी रोकथाम के बारे में बता रहे हैं भी कोरोना वायरस को किस हिसाब से रोका जा सकता है। मेन उद्देश्य इनका है कोरोना वायरस को रोकने में कि हाथ ना मिलाएं, नमस्ते से ही काम चलाएं, ये इनका उद्देश्य है। और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, जब भी खांसे छींके तो मुंह पे रुमाल और टिश्यू पेपर रखें, मेले आदि में को में ना जाएं, ताकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये ज़्यादा फैलने का वायरस खतरा रहता है। इसलिए ये सरकार और यहाँ से एएनएम और आशा जो प्रशिक्षण ले रही है कोरोना वायरस के संबंध में, ये फील्ड में जाके ग्राउंड लेवल तक सभी आमजन को जागरूक करेंगे कि इस वायरस से कैसा बचा जा सकता है। और इसे ज़्यादा इसमें ज़्यादा ये भी बताया गया कि जहाँ भी जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा हाथ जरूर धोएँ, क्योंकि हाथों से ये वायरस ज़्यादा फैल